बच्चों में उत्तम संस्कारों का सिंचन हो, इसी उद्देश्य से संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित बाल संस्कार केंद्र की ओर से जय भारती पब्लिक स्कूल और कृष्णा विद्या मंदिर नूरवाला पानीपत में बापू जी की शिष्या साध्वी सुशीला बहन ने योग व उच्च संस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत ओमकार के जप की महिमा को बताया। उन्होंने बताया कि ओमकार के जप से स्वस्थ शरीर, शांत मन एवं आध्यात्मिकता की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल, इंटरनेट एवं चलचित्रों से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत करवाते हुए उन्हें सजग किया और साथ ही योगासन, प्राणायाम व मुद्राओं से होने वाले लाभ बताए। उन्होंने विद्यार्थियों को संतों, सनातन संस्कृति तथा देश के प्रति प्रेम को अपने जीवन में एक प्रमुख स्थान देने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही 14 दिसंबर को गीता जयंती एवं 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए भी प्रेरित किया कि जब परीक्षा के दिन हो तो किस प्रकार से कम मेहनत में आप जल्दी जल्दी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी अपनी याद शक्ति को तेज करने के लिए किस बात का ध्यान रखें? सबसे पहली चीज कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो कमर गर्दन सीधी करके बैठें और पहले 5 बार ओमकार का गुंजन करें, क्योंकि ओमकार जो है ना, इस पर वैज्ञानिकों ने भी शोध की है और उन्होंने भी पाया है कि ओमकार के गुंजन से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। विदेशी वैज्ञानिक जे मार्गन ने अनेक बीमारियों को, पेट की बीमारियों को, स्नायु की बीमारियों को ओमकार गुंजन, ओमकार थेरेपी करवा करके स्वस्थ किया है लोगों को। लेकिन ओमकार से केवल इतना ही लाभ नहीं होता है, ये हारे हुए को हिम्मत देता है। आजकल आपने देखा है ना कि बच्चों के अंदर में टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां घर कर रही हैं और 9वीं से लेकर के कॉलेज तक के विद्यार्थियों में सुसाइडल रेट बढ़ता जा रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तनाव युक्त जीवन हो गया है।